brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. उत्तर प्रदेश में कोई मजबूती से लड़ रहा है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी ही लड़ रहे हैं। जहाँ तक हमने देखा है 80 में 80 उनकी सीटें जो है 80 लोकसभा में 80 निकल रही हैं। फार्मूला क्या है बीजेपी के पास भाई? यहाँ के वर्तमान सांसद का आपने देखा रहा भैया, वर्मा वोट खरीद लेते हैं भाई, ऐसे किसी समाज को जलील नहीं करते। आप वोट मांग रहे हैं, आप किसी को खरीद नहीं रहे। टिकट फाइनल हुई थी उसमें जिला कन्नौज से हमको टिकट मिला था, लेकिन मुझे परसों टिकट मिला था, मैंने कल टिकट वापस कर दिया और चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान भी किया और 24 तारीख को हम इस्तीफा भी दे देंगे पार्टी से। और कारण कुछ नहीं है हमारे, सब मतलब मेरे मन की थी बात कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल की पार्टी के बीच गठबंधन टूटा और इसके बाद पल्लवी पटेल ने अखिलेश के पीडीए को मात देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर पीडीएम का गठन कर लिया। लेकिन बीते दिन इस पीडीएम के साथ जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल दूसरे चरण के मतदान से पहले पीडीएम ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी, लेकिन शाम होते होते पीडीएम का एक मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनाव लड़ने से इनकार कर गया। इतना ही नहीं, इस उम्मीदवार ने तो ये तक कह डाला कि अखिलेश यादव के सामने वो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। दरअसल बीते दिन पीडीएम के 7 उम्मीदवारों की सूची में कन्नौज लोकसभा सीट से दानिश खान को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन दानिश का नाम जैसे ही सामने आया कुछ ही घंटों में दानिश ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। साथ ही ये तक कह डाला उन्होंने कि अखिलेश यादव से फोन पर बात की है और जल्द ही दोनों की मुलाकात होगी और साथ ही वो पीडीए का समर्थन भी करेंगे। जब हमने उनसे बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। दानिश, क्या ये सच है कि आपको पीडीएम से कन्नौज का प्रत्याशी घोषित किया गया था? जी जी, मुझे प्रत्याशी घोषित किया गया पीडीएम से और 7 टिकट फाइनल हुई थी उसमें जिला कन्नौज से हमको टिकट मिला था, लेकिन मुझे परसों टिकट मिला था, मैंने कल टिकट वापस कर दिया और चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान भी किया और 24 तारीख को हम इस्तीफा भी दे देंगे पार्टी से। और कारण कुछ नहीं है हमारे, सब मतलब मेरे मन की थी बात कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, ना कोई किसी चीज़ का कोई टेंशन था, तो हमने इसलिए चुनाव नहीं लड़ना फैसला लिया। और अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को समर्थन करूँगा, उन्हीं को सपोर्ट करूँगा, इसीलिए मैंने टिकट वापस की है कि मैं उनके साथ जुड़ सकूँ और उन्हें भारी बहुमत से जीत दिला सकूँ। दानिश जी, ये बताइए कि जब आपने चुनाव न लड़ने की बात कही है तो आपके जो पार्टी पीडीएम के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उनसे वार्ता हुई, उन्होंने क्या कहा इस पर? उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई दबाव है या क्या कारण रहा, तो मैंने कहा कोई दबाव नहीं है और कारण भी कुछ नहीं रहा। कारण सबसे बड़ा यही है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई मजबूती से लड़ रहा है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी ही लड़ रहे हैं। जहाँ तक हमने देखा है 80 में 80 उनकी सीटें जो है 80 लोकसभा में 80 निकल रही हैं, तो हमारा लड़ना अगर मैं लड़ता पूरा चुनाव तो जहाँ तक होता तो नुकसान हमारी समझ से बस शायद अखिलेश यादव जी का ही होता। नहीं, तो आप तो ओवैसी और पल्लवी पटेल का जो आपसी गठबंधन है उससे मैदान में उतरे हैं, तो आप अखिलेश जी की तारीफ कर रहे हैं अखिलेश यादव की? कुछ चीज़ें उनसे सीखी हैं इसलिए वो हमको मतलब अखिलेश यादव से प्रभावित हो गए। जी, हमारे फेवरेट नेता है वो, और मुझे पहले नहीं पता था कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, जिस दिन मुझे पता हुआ कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे उसके बाद हमारे टिकट फाइनल हुआ, बस इसी बेस पे लेके हमने अपने टिकट को वापस कर दिया। अच्छा, वैसे क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? गुरसाईगंज। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि जब आपका टिकट घोषित हुआ था तो पार्टी ने आपसे कुछ वादे किए थे? जी, क्या क्या वादे थे? पार्टी ने हमसे तमाम वादे किए और पार्टी मतलब हमने ये नहीं कहा कि हम पार्टी की कोई बुराई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। माननीय पल्लवी पटेल जी या ओवैसी साहब या बाबू रामपाल जी, उन्होंने हमारी बहुत इज्जत दी और हमें टिकट दिया, मैं उनका सम्मान करता हूँ। अब मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ तो इसलिए मैं टिकट वापस कर रहा हूँ, उनकी कोई कमियाँ नहीं रहीं। उन्होंने मुझे टिकट दी, मुझे इज्जत बख्शी, बहुत उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। मैंने राजनीति का जो कदम रखा मैंने उनकी पार्टी से ही रखा। किस पार्टी से? चुनाव राष्ट्रोदय पार्टी, बाबू रामपाल जी उनकी पार्टी से ही मैं पहली बार चुनाव मैदान में आया हूँ। तो अब टिकट जो मैंने वापस किया वो अपने निजी कारणों से वापस किया, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं था। अब आप अखिलेश यादव का समर्थन करेंगे? जी जी जी, करेंगे समर्थन। और यहाँ तो समर्थन क्या, उनकी जीत दिख रही है क्योंकि अखिलेश यादव जी हमारी समझ से 2 लाख वोटों से यहाँ से जीतेंगे और देख रहे हैं वर्तमान सांसद जी क्या कर रहे हैं। मतलब पीडीए के साथ चले गए, पीडीएम को छोड़ पीडीएम को छोड़ दिया? जी, पीडीए के साथ चले गए।
तो कैसे क्या अब तक रहेगा आपकी रणनीति क्या रहेगी? अखिलेश जी का कोई फोन वो ना आया आपके पास? जी हमारी बात हुई अखिलेश जी से, आज सुबह ही भी हमारी कॉल 9:30 बजे हमारी बात हुई थी। अखिलेश जी से सीधे बात? जी जी जी, मैनपुरी में अध्यक्ष जी हमारी बात हुई 9:30 बजे, अभी भी रिकॉर्डिंग है हमारे फोन में। जी जी, बोले तो अब उनसे हमारा मिलने की भी तारीख तय नहीं हुई, लेकिन ये कन्फर्म है कि 2-3 दिन के अंदर हमारी उनसे मुलाकात भी होगी। अखिलेश जी से आपकी बात हो गई और आपकी सीधे मुलाकात होगी? जी मुलाकात होगी, ये वादा किया उन्होंने, मुलाकात होगी हमारी, आज बात हुई है हमारी 9:30 बजे अखिलेश यादव जी से, अब मुलाकात भी कल या परसों हो जाएगी। कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की बात बोले हैं क्या? अभी ऐसा कोई नहीं, वो बड़े नेता हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो वो देंगे वो मुझे मंजूर होगा और पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से पूरी वफादारी से उनको चुनाव लड़ाऊंगा और हमारे कार्यकर्ता भी जोश में हैं, वो माननीय अखिलेश यादव जी को जोरदारी से चुनाव लड़ाएंगे। कैसे रोकेंगे बीजेपी को, क्या फार्मूला अपनाएंगे? फार्मूला क्या है बीजेपी के पास भाई, यहाँ के वर्तमान सांसद क्या आपने देखा रहा भैया, वर्मा वोट खरीद लेते हैं भाई, ऐसे किसी समाज को जलील नहीं करते। आप वोट मांग रहे हैं, आप किसी को खरीद नहीं रहे, ये काम एक लोकतंत्र की हत्या है। किसी समाज को एक तरफा इतना गिराना अच्छी बात नहीं है। आप एमपी हैं, आप सांसद हैं, आपको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। आप आम आदमी नहीं है, आप एक सांसद हैं, आपके ऊपर ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आप किसी पुलिस वाले को आप गाली दे देते हैं, आपने देखे होंगे इनके कई वीडियो, तो ये तहसीलदार को आप धक्का मुक्की कर देते हैं, ये आपके ऊपर नहीं अच्छा लगता। लेकिन इस बार पब्लिक जो है वो इंतज़ार में है कि कब वोट पड़े और कब हम इनको कुर्सी से उतारें। ठीक है, धन्यवाद। ये देखिए, ये हमारे साथ में थे दानिश अली, जो कि पीडीएम के पहले प्रत्याशी थे लेकिन चुनाव ना लड़ने की अब बात कह रहे हैं और जल्द ही पार्टी को लिखित तौर पर इस्तीफा भी देंगे। अखिलेश यादव से इनकी बात हुई है और इनकी मुलाकात जल्द ही अखिलेश यादव से होने जा रही है। पीडीए के साथ अब दानिश अली जा रहे हैं, पीडीएम को इन्होंने छोड़ दिया है। तो अखिलेश यादव को झटका देने के इरादे से बनाए गए मोर्चे पीडीएम से खुद पल्लवी पटेल को ही झटका लग गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर पल्लवी पटेल का अगला कदम क्या होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कन्नौज से प्रभम श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।